मॉर्निंग चिल्ड्रेन, सबसे पहले आप सभी बच्चे रोज़ की तरह अपना अटेंडेंस बना लें और इसे बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चों को पता है, बस इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अटेंडेंस बनाइए, फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। सभी बच्चों का अटेंडेंस बन गया होगा, तो सभी बच्चे सभी बच्चे क्या करेंगे, अब ईवीएस की नोटबुक ओपन करेंगे, क्योंकि नोटबुक में आज हम लोग चैप्टर 29 जो हम लोग वाइल्ड एनिमल्स पढ़ रहे थे, इस चैप्टर का वर्ड मीनिंग करेंगे। अगर समय मिला तो हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन मैंने कहा था कि व्हाट आर वाइल्ड एनिमल्स या व्हाट इज जू, ये लिखा दूंगी। ओके, तो लेकिन लिखाने से पहले जो बातें मैं रोज़ आप लोगों को बोलती हूँ उन बातों को फिर से रिपीट कर दूँ कि जो बच्चे ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते हैं वो बच्चे प्रेजेंट रहा करें, और जो बच्चे प्रेजेंट रहते हैं वो दूसरे बच्चे यानी कि अपने क्लासमेट्स अपने फ्रेंड्स को प्रेजेंट रहने के लिए बोला करें। और प्रेजेंट रहने का मतलब है कि आपके क्लास की वीडियो जितनी देर की होती है उतना देर का वीडियो आपको देखना है, और वीडियो के दौरान आपके टीचर्स आपको जो भी बोलते हैं वो हर एक बात आपको फॉलो करना है। ओके, और जिन बच्चों के पास अपनी बुक्स नहीं है वो बच्चे अपनी बुक्स खरीदवा लें, और बुक्स के साथ साथ अगर नोटबुक्स नहीं है, पेंसिल नहीं है, इरेजर नहीं है, तो इन सारी चीज़ों को भी पेरेंट्स को बोलकर ख़रीदवा लें, क्योंकि आप भी समझते हैं और मैं भी रोज़ बोलती हूँ कि बिना किताब या पढ़ाई का कोई भी चीज़ तो आप पढ़ नहीं सकते हो। अगर आपके पास इन सारी चीज़ नहीं है, ये सारी चीज़ें, तो फिर आपके पढ़ने में मुश्किल आएगी ना, तो फिर आप कैसे पढ़ोगे। अब बुक रहेगा तो भी आप अगर रीडिंग तो कर लोगे, लेकिन बुक में जैसे अभी हमने कहा रीडिंग तो पहले दिन दिया, बेशक आप कर लोगे, लेकिन अब हम वर्ड मीनिंग लिखाएंगे, कुछ क्वेश्चन लिखाएंगे, तो वो एक्टिविटीज़ कैसे लिखोगे अगर आपके पास नोटबुक या पेंसिल नहीं रहेगा। तो हमारे लिए हर एक चीज़ ज़रूरी है, जितना बुक ज़रूरी है उतना नोटबुक ज़रूरी है, लेकिन बुक सबसे पहले इसलिए ज़रूरी है कि पहले हम जानेंगे सीखेंगे तभी हम कुछ करेंगे ना। तो बुक्स मैं पहले बोलती हूँ, नोटबुक वगैरह भी बोलती हूँ, जिन बच्चों के पास जिस चीज़ की कमी हो रही है वो अपने पेरेंट्स को बोलें, ज़िद ना करें बल्कि बोलें, पेरेंट्स को बोलें, पेरेंट्स ज़रूर दिलाएंगे। ओके, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, खूब मेहनत से पढ़ाई कीजिए, दिल लगा के पढ़ाई कीजिए, ये जनरल बातें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं रोज़ बोलती हूँ। चलिए हम पढ़ाई शुरू करते हैं। तो सभी बच्चे ईवीएस की नोटबुक ओपन कर लिए, नोटबुक ओपन करने के बाद आपको क्या देखना है, तो आपको वो देखना है कि लिखे हुए पेज में यानी कि चैप्टर 28 का आपने जो भी चीज़ नोटबुक में लिखा है उस लिखे हुए पेज में अगर 3 से ज़्यादा लाइन है तो आप बच्चों को उस पेज का इस्तेमाल करना है, और जिनके नोटबुक में लिखे हुए पेज में 3 से 3 या उससे कम लाइन है वो बच्चे उस पेज को छोड़ देंगे और न्यू पेज का इस्तेमाल करेंगे। ओके, हाफ पेज वाले बच्चे क्या करेंगे, तो जो भी चीज़ लिखा है उसके नीचे स्केल की हेल्प से लाइन खींचेंगे, उसके बाद में एक लाइन में डेट चैप्टर रिमेंबर, दूसरे लाइन में हेडिंग, और तीसरी लाइन से लिखना शुरू कर देंगे। न्यू पेज वाले बच्चे क्या करेंगे, तो डेट चैप्टर रिमेंबर को नोटबुक में सबसे ऊपर, फर्स्ट लाइन में हेडिंग और सेकेंड लाइन से लिखना शुरू कर देंगे। क्लियर, चलिए लिखना शुरू करते हैं। तो ये हमारा 4 वर्ड आटा है, तो
मैं लिखना बंद करके आपको समझा रही हूँ, तो सभी बच्चे ध्यान दें। और हाँ, मैं बार बार बोलती हूँ, जब मैं लिखूँ तो आप लिखिए, जब मैं समझाऊँ तो आप लिखना बंद करके मेरी तरफ ध्यान से देखकर समझिए। क्या है फॉरेस्ट है पहला वर्ड, FOREST फॉरेस्ट, फॉरेस्ट मीन्स जंगल या वन, है ना। उसके बाद है शाई, SHY शाई, शाई मीन्स शर्मिला या संकोची। उसके बाद HARMLESS हार्मलेस, हार्मलेस मीन्स हानि रहित, यानी कि जो हानि नहीं पहुंचाता है, ओके। उसके बाद है डेंजरस, DANGEROUS डेंजरस मीन्स खतरनाक या डरावना, ओके। फिर से एक बार बोल दूँ, फिर वाइप करके नेक्स्ट वर्ड कराऊंगी। क्या है फॉरेस्ट, फॉरेस्ट मीन्स जंगल या वन। शाई, शाई मीन्स शर्मीला या संकोची। हार्मलेस, हार्मलेस मीन्स हानि रही। डेंजरस, डेंजरस मीन्स खतरनाक या डरावना, ओके। अब वाइप कर रही हूँ, नेक्स्ट वर्ड है उसे लिखाऊंगी। ज़्यादा वर्ड नहीं है, 7 वर्ड ही है, तो 4 मैंने पहले लिखाया था, 3 अब, तो 4 प्लस 3 इक्वल टू 7 होता है। तो अब क्या है जू, ZOO जू, जू मीन्स चिड़ियाघर या पशु वाटिका। उसके बाद है प्रोडक्ट, PRODUCT प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मीन्स उत्पाद या पैदावार। उसके बाद है फ्लेश, FLESH फ्लेश, फ्लेश मीन्स मांस। तो ये टोटल कितने वर्ड हो गए, 7 वर्ड हो गए। तो ये 7 वर्ड मीनिंग को आपको याद करना है, ओके। तो अब हम वाइप करके कुछ डिफिनीशन है वो लिखा देते हैं, ओके। तो एक बार फिर से पढ़ दूँ, क्या है जू, जू मीन्स चिड़ियाघर या पशु वाटिका। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मीन्स उत्पाद या पैदावार। फ्लेश, फ्लेश मीन्स मांस, ओके। अब हम वाइप कर रहे हैं, yeah
कार्डबोर्ड वाइल्ड एनिमल्स lion lion deer deer giraffe etc. ये हमारा प्रश्न था, क्या व्हाट आर वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवर क्या होते हैं. ओके तो ये हमारा आंसर क्या है, एनिमल्स दैट लिव इन फॉरेस्ट और नेचर एंड हंट देयर ओन फूड एंड वाटर आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स. जानवर जो जंगल या नेचर, यानी कि जंगल फॉरेस्ट मीन्स जंगल या नेचर मीन्स प्रकृति में रहते हैं, यानी कि प्राकृतिक स्थानों में घूमते रहते हैं एंड हंट देयर ओन फूड और अपने भोजन और पानी की तलाश, हंट में शिकार तलाश खुद ही करते हैं, वैसे जानवर को जंगली जानवर कहा जाता है. एग्जाम्पल्स लायन डियर बियर जिराफ एक्सेट्रा, जैसे शेर हिरन भालू जिराफ एक्सेट्रा, यानी कि इत्यादि और भी बहुत सारे जानवर हैं. और जो ये जंगली जानवर होते हैं इन्हें हम जू में यानी कि चिड़ियाघर में देख सकते हैं. और जंगली जानवर जो होते हैं काफ़ी ख़तरनाक होते हैं, डेंजरस होते हैं, है ना. और हम को कोई हार्मलेस भी होते हैं लेकिन ख़तरनाक तो सभी होते हैं, लेकिन भले वो हमें नुकसान पहुंचाए ना पहुंचाए, हमें देखने में उन्हें से डर लगता है, डरावने होते हैं. और कुछ हार्मफुल होते हैं, कुछ हार्मलेस होते हैं, कुछ नुकसान पहुँचाते हैं कुछ नहीं. ओके जैसे शेर है, ओके लायन है, ये हमें नुकसान पहुँचाएगा ही पहुँचाएगा, लेकिन जैसे जिराफ है एलिफेंट है ये तब नुकसान पहुंचाएगा जब हम इसे कुछ करेंगे. ओके तो ये हार्मलेस होते हैं और हार्मफुल भी होते हैं जंगली जानवर, कि नुकसान पहुंचाने वाले भी होते हैं और हानि रहित भी होते हैं, नुकसान नहीं भी पहुंचाते हैं. ओके तो ये हमारा था. तो आप सभी बच्चे वर्ड मीनिंग को याद कर लीजिएगा और इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा. एक बार फिर से बोल दूँ, व्हाट आर वाइल्ड एनिमल्स, आंसर है एनिमल्स दैट लिव इन फॉरेस्ट और नेचर एंड हंट देयर ओन फूड एंड वाटर आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स. एग्जाम्पल लायन डियर बियर जिराफ एक्सेट्रा ईटीसी एक्सेट्रा. जानवर जो जंगल और प्रकृति में रहते हैं और अपना भोजन और पानी का खुद ही तलाश करते हैं, वैसे जानवर को जंगली जानवर कहा जाता है. एग्जाम्पल्स उदाहरण के रूप में लायन डियर बियर जिराफ एक्सेट्रा, शेर हिरन भालू जिराफ इत्यादि, ये सभी जानवर जंगली जानवर कहलाते हैं, जो जंगल में रहते हैं या प्रकृति में रहते हैं और अपनी भोजन पानी खुद ही तलाश करके, है ना, अपना जीवन यापन व्यतीत करते हैं. ओके तो ये जो आपको होमवर्क क्या हो जाएगा, रिमेंबर वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 29. चैप्टर 29 का आपको वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन याद करना है. ये क्वेश्चन अरहा जू, तो व्हाट इज़ जू, मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगी कि जू क्या होता है. ओके तो सभी बच्चे जू को तब याद करेंगे, जू होता क्या है. अब हम क्या करते हैं, अपने क्लास को यहीं पे एंड करते हैं. और जब मेरा क्लास एंड होता है, हम लोग एंड करते हैं, तो उस समय मैं क्या देती हूँ आप लोगों को, एक गुड हैबिट टिप देती हूँ. तो आज का हमारा गुड हैबिट टिप है जो कि सेफ्टी रूल भी है, मतलब सुरक्षा के नियम है. और आजकल आपको मैं जो भी सेफ्टी रूल्स देती हूँ वो सभी सुरक्षा के नियम हैं. आप सुन रहे हैं, मैं बार बार बोलती हूँ कि ये सेफ्टी रूल्स है, सुरक्षा है, मतलब ये एक अच्छी आदत भी है और इससे सुरक्षित भी रहेंगे. तो आज का जो है क्या है, बोला है वेयर सीट बेल्ट ड्यूरिंग कार जर्नी, है ना. मतलब हम सड़क पर यात्रा कर रहे हैं, चाहे हम पैदल हैं या गाड़ी से,
तो उस समय का है, ओके। तो बोल रहा है वेयर सीट बेल्ट ड्यूरिंग कार जर्नी, जब आप कार से यात्रा करते हो तो, यानी कि कार में बैठकर एक जगह से दूसरी जगह जाते हो तो उस समय आपको सीट बेल्ट लगानी होती है, ओके। फ्रंट सीट पे सीट बेल्ट होता है, ओके, कार ज़्यादातर। और सीट बेल्ट इस लगानी होती है कि वो जो सीट बेल्ट होता है, वो जो बेल्ट होती है, इस तरीके से लोग लगा लेते हैं या यहाँ से यहाँ खींच के लगाते हैं, तो वो सीट बेल्ट क्या करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है। जैसे ड्राइवर है और फ्रंट सीट पे जो भी लोग बैठते हैं, अचानक से ब्रेक लग गया है ना, या कुछ जर्क आ गया, गड्ढा में हमारा गाड़ी का पहिया चला गया, तो वो जो सीट बेल्ट है हमें आगे की तरफ गिरने से रोकता है, बचाता है, ओके। तो इसीलिए हमें सीट बेल्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। जब आप कार में हो या जैसे ब्लोरो है, मार्शल है, इस तरीके का कोई भी गाड़ी है, तो फ्रंट सीट पर अगर आप बैठो तो सीट बेल्ट का इस्तेमाल करो, ओके। तो आपको कौन सी गुड हैबिट फॉलो करनी है, बोलेगा कि मैं नहीं आगे बैठता हूँ, वहाँ पे ड्राइवर अंकल बैठते हैं, फिर दूसरे अंकल बैठते हैं, चाहे वो हम अपना प्राइवेट हो या हमारा हमने रिजर्व किया हो, अरे कोई भी बैठता हो, आप जानते हो इस बात को, आप उन्हें बताइए, अगर वो इंसान फॉलो नहीं कर रहे हैं तो, है ना, आप उन्हें बोलिए कि सीट बेल्ट लगा लेना चाहिए। तो आप कौन सी गुड हैबिट फॉलो करें कीजिएगा, वेयर सीट बेल्ट ड्यूरिंग कार जर्नी, इस गुड हैबिट को फॉलो कीजिएगा। जो मैंने वर्ड मीनिंग, 7 वर्ड मीनिंग लिखा है, उसे याद कीजिएगा और इस क्वेश्चन आंसर को याद कर लीजिएगा, ओके। आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल।